नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व भाजपा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से लड़ सकते हैं चुनाव। ट्विटर कर कहा, एक नई पारी की शुरुआत, पंजाब पंजाबियत और पंजाबी की जरूर होगी जीत। 61 साल की हुई बसपा सुप्रीमो मायावती, कार्यकर्ताओं से जनकल्याण दिवस के रूप में मनाने को कहा अपना जन्मदिन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा भाजपा पर जमकर साधा निशाना, मुख्यमंत्री अखिलेश को बताया दागी। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने सेना दिवस पर पाकिस्तान को चिढ़ाया, कहा एलओसी पर नापाक हरकत करने वालों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने पर बोले, इससे वीर जवानों का टूटता है मनोबल। पटना नाव हादसे की जांच शुरू, गंगा नदी में नाव डूबने से 25 लोगों की गई थी जान। पतंगबाजी उत्सव में शामिल होकर नाव से वापस घर लौट रहे थे लोग। एनएसजी में भारत का रास्ता रोकने पर अमेरिका ने साधा चीन पर निशाना। ओबामा प्रशासन की सहायक विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल ने कहा, कम्युनिस्ट देश नई दिल्ली के प्रयास में अवरोधक का कर रहा है काम। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में अपनी जिंदगी के दिलचस्प पहलुओं पर की खुलकर बात। आत्मकथा में सुनाए दाऊद इब्राहिम से मुलाकात के किस्से। लिखा, शोहरत ने मुझे अच्छे लोगों के साथ ही संदिग्ध लोगों से भी मिलवाया। और भारत इंग्लैंड के बीच पुणे वनडे में टीम इंडिया के सामने 391 रनों का लक्ष्य। इंग्लैंड ने 7 विकेट पर बनाए 350 रन। जो रूट ने इंग्लैंड की ओर से बनाए सर्वाधिक 78 रन। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।